Good morning, students. So today we are going to learn construction of triangles. But triangle ke construction se pehle thode cheeze there are necessary, there are important to remember. To wo cheez main aapko revise karwa deta hu. So triangle teen side aur teen points se banta hai. ठीक है, 1, 2, 3 साइड, 3 पॉइंट. ठीक है, इसको वर्टिसेस भी बोल सकते हैं अगर आपने सॉलिड शेप्स अच्छे से पढ़ा है तो. ठीक है, तो तीन साइड वाली और तीन एंगल वाली फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं. पहली बात, ट्राइंगल के कितने टाइप्स होते हैं? तो ट्राइंगल के तीन टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज. उनकी साइड के आधार पे तीन टाइप्स हो सकते हैं. पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों की तीनों साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल इज इक्वल. ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है. ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब बाजुए, समान बाजुए वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड, आइसोसेलस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल होगी, तीसरी वाली अलग होगी. कोई भी दो साइड इक्वल होगी, ये 5 5 तो ये 4, ये 5 5 तो ये 6, ठीक है, 8 8 तो ये 9, या कैसे भी दो सेम होगी एक अलग होगी, ऐसे को हम आइसोसेलस ट्राइंगल बोलते हैं. थर्ड इज स्केलिन, क्या बोलेंगे उसको, स्केलिन, जिसकी तीनों की तीनों साइडें अलग अलग है. ठीक है, ये 5 4 3 3 4 8 कितना भी हो वो वाला. ठीक है, तो ऐसे को हम स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे. ठीक है, चौथा एक टाइप है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरे साइड के बराबर हो, तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. फिलहाल इसको हाइड करो, ये तीन साइड समझो, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलिन, बेस्ड ऑन देयर साइड, साइड के आधार पे, एंगल के आधार पे भी इसके तीन टाइप्स हो सकते हैं. पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोना 90 डिग्री का होगा. दूसरा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे. और तीसरा है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, OBTUS, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा. 90 डिग्री वाला राइट एंगल, 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस. ठीक है, तो इसके साइड के आधार पे तीन, एंगल के आधार पे तीन हो गए. ठीक है, इसके साथ साथ एंगल सम प्रॉपर्टी भी ट्रायंगल की आपको पता है कि इसके इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे तो 180 डिग्री ही होना है. कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा. दूसरी भी एक प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला. तो मान लो ये है ना, इसको इंटीरियर बोला जाता है और इसको बोला जाता है एक्सटीरियर. तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटीरियर सी, इसको इंटीरियर सी बोलेंगे, इसको एक्सटीरियर सी बोलेंगे. इसी तरीके से इसको इंटीरियर ए, इसको एक्सटीरियर ए, उसी तरीके से इसको इंटीरियर भी, इसको एक्सटीरियर भी. समझ में आया? तो ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बाकी के दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा. फॉर एग्जांपल, इंटीरियर ऑफ ए प्लस इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ सी. उसी तरीके से एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर बी प्लस इंटीरियर सी. एक्सटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए एंड सी. दो अंदरूनी कोने एक बाहरूनी कोने से बराबर है. गॉट माय पॉइंट? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द टू इंटीरियर एंगल्स सी को छोड़ के. समझ में आया? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है. और एक प्रॉपर्टी कोई छूट रही है? ठीक है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, मुझे नहीं पता आपको पहले हुआ है या नहीं, बट आई डोंट थिंक पाइथागोरस इससे पहले आपको आया होगा, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ. सपोज यू डू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. मान लो कि आपके पास राइट
मतलब 90 डिग्री, एंगल मतलब कोने वाला, ट्रायंगल है ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोना 90 डिग्री है। अगर ऐसा ट्रायंगल आपके पास है तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको हम बोलेंगे हाइट और इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, तो जब ऐसा ट्रायंगल हो, इसको ऊंचाई, इसको बेस हम बोलेंगे, तो ऐसे केस में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर प्लस एडिशन के बराबर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के एडिशन बराबर होगी। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी में से एक है। ठीक है, तो अभी हम फिर से आ जाते हैं, ये तो हमारा रिवीजन था, अभी हम आ जाते हैं कि हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन कौन सी चीजें कम से कम चाहिए, कौन कौन सी चीजें कम से कम चाहिए। पॉइंट नंबर वन, अगर आपके पास तीन साइड हैं, तीनों साइड दिख रही हैं, तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। दूसरी, तीनों एंगल दिए गए हैं तो भी बना सकते हैं। तीसरी चीज, दो एंगल और वो दो एंगल के बीच वाली साइड दी गई है, इंक्लूडेड साइड तो भी आप ट्रायंगल बना सकते हो। इससे उल्टा, दो साइड दी गई है और इंक्लूडेड एंगल दिया गया है, एंगल, तो भी आप ट्रायंगल बना सकते हो। इसके अलावा कुछ छूट रहा है? ठीक है, फिर से मान लो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है कि हाइपोटेनस दिया गया है और या तो हाइट दी गई है या तो बेस दिया गया है, एंड हाइट या फिर बेस दोनों में से एक दिया गया है, फिर भी आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इतने ज्यादा रास्ते हैं किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने, अभी हमने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया और इतनी सारी थियरीज है। ठीक है, बट एक बार समझ लिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल की, ट्रायंगल को हम बनाएंगे कैसे ज्योमेट्री टूल की मदद से, उसके लिए आई एम पॉजिंग द वीडियो। ओके, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी बनाओ हैविंग साइड, जिसकी साइड है बीसी इज इक्वल टू 4.5, एसी इज इक्वल टू 3.5 एंड एबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि तीनों की तीनों साइड दे दी गई है, और ऐसे ट्रायंगल तो हलवा होते हैं, इसको बनाना काफी इजी होता है। दूसरी चीज यू केम टू नो अबाउट कि साइड देखो बीसी, एसी और एबी है, मतलब ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, एबीसी। तो कुछ चीजें तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गई। नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट, तो किसी भी ट्रायंगल को आप बनाते हो तो ए ऊपर लिखते हो और बीसी नीचे लिखते हो, हाँ या ना? तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, बीसी बना देंगे। तो बीसी यहाँ पे कितना दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर, आपकी स्केल लो और 4.5 सेंटीमीटर बना। ठीक, 4.5 मैं तो बनाऊंगा तो काफी छोटा हो जाएगा, तो मैं डबल द स्केल लेता हूं, वो मैं समझ रहा हूं क्या कर रहा हूं। आप एग्जैक्टली 4.5 सेंटीमीटर ही लेना, सो टेक योर स्केल, टेक योर रूलर एंड ड्रॉ 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये मैंने बना दी 4.5 सेंटीमीटर, और क्योंकि इसका नाम बीसी है तो बी और सी, ये हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर, काम हो गया, बीसी इज डन। डन, अभी आपको चाहिए होगा राउंडर, कंपास,
अभी हमें क्या चाहिए? AC is equal to 3.5. क्या है? AC is equal to 3.5. तो यहाँ पे देखो AC, यहाँ पे मान लो कहीं पे A है, तो A से C का डिस्टेंस कितना है? 3.5. तो मैं यहाँ पे A से C का डिस्टेंस मैं क्या करूँगा? राउंडर ले लूँगा और स्केल ले लूँगा और उसके ऊपर 3.5 मेजर कर लूँगा. क्या करूँगा? 3.5 मेजर करूँगा और उसके बाद कंपास को हिलाऊंगा नहीं. तो मैं यहाँ पे 3.5 सेट कर देता हूँ. ठीक, मैंने 3.5 ले लिया. अभी मैं कंपास को हिला नहीं रहा. और ए सी है तो मुझे सी को सेंटर लेना पड़ेगा. सो सी को सेंटर एंड 3.5. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक आर्क बना रहा हूँ, एक ऐसा आर्क. समझ में आया? ए सी, हाँ. तो मैंने क्या कर दिया? 3.5 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया. ए सी तो मतलब इसी लाइन पे कहीं पे ए तो होगा. कहाँ पे होगा? उसके लिए हमें चाहिए ए बी जो कि है 3 सेंटीमीटर. तो आप क्या करो, फिर से स्केल ले लो और 3 सेंटीमीटर को नाप लो. तो यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर को नाप लेता हूँ. ओके, तो 3 सेंटीमीटर को नापने के बाद इसको हिलाओ मत. तो इसको नहीं हिलाते हम. और यहाँ पे क्योंकि ये ए बी है तो बी से हमें सेंटर लेना पड़ेगा और 3 सेंटीमीटर का हम आर्क बना. तो यहाँ पे आपने बना दिया आर्क. तो ये दोनों आर्क, सी से बनने वाला आर्क और बी से बनने वाला आर्क, जहां पे एक दूसरे को काटता है वहां पे नाम दे दो ए. क्या नाम दे दो? ए. अभी ए से बी को कनेक्ट करो, ए से सी को कनेक्ट करो. तो नाउ आई एम जॉइनिंग ए बी एंड ए सी. ठीक है, तो यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट. और जैसे जैसे किया वैसे वैसे स्टेप लिख दिए. तो 3 मार्क या 4 मार्क कहाँ चले गए? आपकी जेब में. समझ में आया? तो इट इज अ कंस्ट्रक्शन विद 3 साइड्स. 3 साइड आपके पास अवेलेबल हैं. मेजर द स्मॉलेस्ट एंड यू आल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक, तो यही है ये वाले कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूरी एक्सरसाइज 15.2 है. आपको खुद से करनी है. एग्जाम्पल 4 है, उसको भी एक बार खुद से कोशिश करो. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. नहीं समझ में आता तो मुझे पूछो. सो एक्सरसाइज 15.2 विल बी होमवर्क फॉर यू. आई होप वो आप आराम से कर सकते हो, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ अनदर टाइप. दूसरे टाइप का ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और एक्सरसाइज 15.2 भी आप कर लोगे. तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.